Hello, welcome to Sumo Biology. The question is about biodiversity conservation, in situ conservation. So what is biodiversity? Biodiversity means different life form residing at a particular geographical area. तो किसी भी एरिया में जो आपको different life form मिल रहे हैं that accounts for biodiversity in that area. तो biodiversity को conserve करना हम लोग के लिए duty है क्योंकि biodiversity, vast biodiversity फेवर्स द स्टेबल इकोसिस्टम एंड प्रोडक्टिव इकोसिस्टम। तो किसी भी इकोसिस्टम के प्रॉपर स्मूथ रन करने के लिए बायोडाइवर्सिटी काउंट करती है। तो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व क्यों करना है? क्योंकि कुछ स्पीसीज इंडेंजर्ड हैं, कुछ स्पीसीज पे एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं और ऐसी स्पीसीज जो इंडेंजर में है हमें उनको प्रोटेक्ट करना है कि वो एक्सटिंक्ट ना हो जाए। तो ये दो तरह का है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, एक्स सीटू एंड इन सीटू। इन सीटू में हम लोग नेचुरल हैबिटेट में ही उसके नेचुरल होम हैबिटेट में ही हम लोग उसको कंजर्व करते हैं स्पीसीज़ को, और एक्स सीटू में हम लोग मैन मेड इन्वायरमेंट में करते हैं। तो इन सीटू कंजर्वेशन रेफर्स टू कंजर्व ओनली इंडेंजर्ड स्पीसीज, नो कंजर्व ओनली एक्सटिंक्ट स्पीसीज। जो एक्सटिंक्ट हो गए उनको कहाँ से कंजर्व कर लोगे? कंजर्व ओनली हाई रिस्क स्पीसीज, नो। इन सीटू कंजर्वेशन रेफर्स टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द होल इकोसिस्टम। इकोसिस्टम इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग वेयर ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड विद देयर सराउंडिंग। तो एबायोटिक और बायोटिक दोनों ही फैक्टर से बना है। और प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द होल इकोसिस्टम, इसमें हमें होल इकोसिस्टम को टारगेट करना है। हम लोग स्पीसीज़ के अलावा सराउंडिंग को, इन्वायरमेंट को भी सबको टारगेट कर रहे हैं और सभी को कंजर्व करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट चॉइस। यू शुड गो विद ऑप्शन नंबर 3। आई होप इट आंसर्स द क्वेश्चन। थैंक यू।